हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज अजय कुमार गुप्ता है और आज हम लोग लाइट के इस अगले वीडियोस में देखेंगे। यहाँ हम लोग लास्ट वीडियोस में इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर देखा था और उस वीडियोस में थोड़ा सा ज़्यादा समय लिया था ताकि हमारे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर हो सके। वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, इमेज क्या चीज़ है, उसे देखा था। आज हम लोग देखेंगे स्फेरिकल इमेज, स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन। तो आज हमारा टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। अब समझे, स्फेरिकल मिरर में जो जानने वाली बातें हैं वो समझे। तो हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, शायद याद होगा आपको। कॉनकेव मिरर वह मिरर जिसका कर्व पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट, मतलब ये जो कर्व पार्ट है, ठीक है, वो है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, सॉरी इनर कर्व पार्ट। इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं इनर कर्व पार्ट जो है वो है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट तो कर्व है। और कॉन्वेक्स मिरर वो था जिसका हम बोल सकते हैं कि आउटर कर्व पार्ट हमारा रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे लिए दोनों चीज जो हमें क्लियर पता है। दूसरी बात, हम लोग जान रहे हैं कि यह मिरर जिस किसी भी स्फीयर से काटा गया है, जिस किसी भी स्फीयर से निकाला गया है, उसी स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग सी से जोड़े। अगर जिस भी किसी भी स्फीयर से आप इसे निकाले हो तो उसी के सेंटर को बोलोगे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरी चीज, मिरर के लेंथ के हाफ को, ज्योमेट्रिकल मीन को बोला जाता है पोल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन को बोल सकते हो पोल, जिसे आप उसकी लेंथ का हाफ कर सकते हो। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन जो मिलाती है उसे बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो उसे हम लोग बोल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हुआ कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, अब इस केस में भी समझ लें कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूसरी चीज, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लेंथ है, इस लेंथ को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम बोल रहे हैं आर। इसे हम बोल रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग सिंबल कर रहे हैं आर। दूसरी चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ लेंथ को बोल रहे हैं फोकस। इतनी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए, उसके बाद ही आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, अब दोनों में चलते हैं। कॉनकेव के केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों रिफ्लेक्टिंग साइड में मिल रहे हैं। सारा कुछ कौन से साइड में? रिफ्लेक्टिंग साइड में। कॉन्वेक्स के केस में ये आपको बैक साइड में मिल रहा है, क्योंकि लाइट इस साइड से आने वाला है, पिछला साइड पॉलिश्ड है। तो आपकी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो भी है, कॉन्वेक्स के केस में बैक साइड है और कॉनकेव के केस में फ्रंट। प्रॉपर्टीज ध्यान में रखिएगा कि क्या है। फोकस की डेफिनेशन क्या होगी तो समझा दें। फोकस ये बोला जाता है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल अगर कोई लाइट आ रही है तो फोकस वह पॉइंट होगा जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद या तो पॉइंट एक्सिस को कट करे या फिर कट करता हुआ दिखे। एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर कट करेगा, मतलब अगर कोई पैरेलल रे आई और पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा या फिर लगे कि उस पॉइंट को कट करके या उस पॉइंट से होती हुई जा रही है, तो उसे बोला जा रहा है फोकस। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें कि इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर में किस तरह से हो। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज, जिसके आधार पर अब इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करना शुरू। आज हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव
मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को देख ले, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर को देखने के लिए समझ ले कि हमें कॉनकेव मिरर में ये चीज करना है जो अभी अभी हम लोग प्रॉपर्टीज को देखा था। तो प्रॉपर्टीज के आधार पर यह समझा कि फोकस जो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में होगा। दूसरी चीज कि फोकस का जो होता है वो होता है वह पॉइंट जो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस पर कट करे, ठीक है। और हम लोग जो भी अभी इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं उनके लिए वर्क कर रहे हैं जो कि क्या हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज के साथ, ठीक है। हम लोग किसी और रेज को नहीं लेंगे। तो हम देख ले हमारे लिए कॉनकेव मिरर, ठीक है, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। में फोकस हाफ लेंथ लेना है हमें, पी से सी के बीच की जो भी लेंथ है उसकी हाफ, ये हुआ फोकस, जो हमारा इतना डायग्राम है जो फिक्स है। अब है कि डिफरेंट पोजीशन पर हम इमेज बनाना शुरू करते। तो पोजीशन को शुरू करते हैं कहां से, जिस लेंथ को हम लोग नहीं जानते, मतलब इनफाइनाइट, मतलब मिरर के आगे सबसे ज्यादा दूरी पर, जिस लेंथ को हम न भी जानते। सिंपल चीज है कि हम कॉनकेव मिरर से सन के रेस को पहले देखना चाहते हैं कि उसका रे किस तरह से इमेज के रूप में आए, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस को। तो देखा इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आने वाली रेस पैरेलल रेस होती है, क्योंकि बहुत ही डायरेक्शन में आ रही है, तो इसका मतलब वो रेस पैरेलल रेस है और बहुत सारे रेस आ रहे। हमने ऑब्जेक्ट को कहां माना है, इनफाइनाइट। कंडीशन पहला दे रहे ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो है इनफाइनाइट पर, मतलब कि हम उसे नहीं जानते हैं कि कहां पर है, बहुत ही ज्यादा दूरी, और वहां से मान रहे हैं कि बहुत सारा रेस जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमारा पैरेलल आ रहा है। अब देखिए जो भी रे आया वो क्या होगा, मिरर के सरफेस से टक्कर करेगा और टकराने के बाद फोकस से क्रॉस करेगा, क्योंकि हमने वही चीज बोला है भाई कि कहां से टक्कर करे और फोकस से होकर के गुजरनी चाहिए। तो ये फोकस पर आया, ये भी टकराया और फोकस पर चला गया, ये भी टकराया और फोकस पर चला गया, ये भी टकराया फोकस पर गया, ये भी टकरा रहा है और फोकस पर आ रहा है। तो इस केस में आप कह सकते हो कि जो भी इमेज बना, इमेज बनने के लिए हमें दो रेज को एक जगह पर इंटरसेक्ट करना होगा, और हम बोल रहे हैं कि जितने भी रे इनफाइनाइट से आ रहे हैं सारा का सारा इंटरसेक्ट कहां पर कर रहा है, फोकस। फोकस करने का मतलब है कि एक बिंदु पर, छोटे से बिंदु पर। तो इसका मतलब हम इमेज की प्रॉपर्टीज को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। पहला चीज, पहले ये रियल है या वर्चुअल, तो हमें रियल दिख रहा है कि नहीं भाई सही में यहाँ इंटरसेक्ट हुआ। तो पहली बात ये कि यहां पर जो इमेज बन रहा है वो है रियल। दूसरी चीज, चूंकि इमेज रिगार्डलेस ऑफ साइड, साइज कितना भी बड़ा हो वो बनकर के एक पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब कि इसे हम बोल रहे हैं कि वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि ये पॉइंट इमेज है। ये क्या है, पॉइंट इमेज, तो वेरी स्मॉल इन साइज। तीसरी बात, ये से अगर करें तो हम कह सकते हैं कि कहां पर बना, तो ये फिक्स है कि एट फोकस, ठीक है। और चौथी चीज इसलिए होता है कि इन्वर्टेड है कि ये नॉन इन्वर्टेड है, तो उसको अभी डिस्कस इसलिए नहीं करते क्योंकि एक पॉइंट जो एक एक्सिस पर है उसको सीधा या उल्टा बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो हम आगे की प्रॉपर्टीज के आधार पर बोल पाएंगे कि यहां पर जो इमेज बना वो इन्वर्टेड था कि इरेक्ट था, ठीक है। फिलहाल के लिए इमेज की तीन प्रॉपर्टीज हमें जो दिखी उसे हम लोग मान लिए और उस तीन प्रॉपर्टीज को कंक्लूड कर। आगे हम लोग देखे, अगला हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन जब हमें कोई फाइनाइट लेंथ पर मिले। फाइनाइट लेंथ करने का मतलब कि वह मिरर से कुछ ऐसी दूरी पर हो जहां पर उसकी लेंथ को मेजर किया जा सके। हम कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव मिरर के देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं फाइनाइट दूरी, मतलब फिर से कॉनकेव मिरर को बनाना, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस सी,
हाफ एफ ये पी। आप लोग को एक रिकमेंडेशन है कि आप इसे कॉम्पोज की हेल्प से बनाइएगा और एग्जैक्टिव प्रिंसिपल एक्सेस ले करके बनाइएगा तो आपको एग्जैक्ट सारे पॉइंट एक जरूरी। तो हम कह रहे हैं किसका फाइनाइट डिस्टेंस पर, तो मान लिया कि किसी दूरी पर यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट से ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहा। तो देखिए हर रे में एक रे तो ऐसा होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी क्योंकि रेज तो बहुत सारे डायरेक्शन पर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि टॉप का बना करके उसी के परपेंडिकुलर डाल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो हमें बॉटम का तो मिल जाएगा क्योंकि बॉटम उसी पर है तो कहीं ना कहीं बॉटम का तो वहीं पर बनने वाला है। तो देखिए जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया वो रिफ्लेक्ट होकर के कहां से निकलने वाला है फोकस, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया वो फोकस से होकर के निकल गया। और दूसरी चीज कि हमें कम से कम इमेज बनाने के लिए दो है। अब बुक में क्या है कि बहुत तरह की कॉन्सेप्ट को दिया हुआ है, कहीं पर कुछ लिखता है कहीं पर कुछ लिखता है। हम क्या करें कि अपने बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को यूज करके इमेज बनाए। बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस ए पॉइंट से एक रे तो वो भी होगी जो पोल को डायरेक्ट हिट कर रहा हो। ये रे जो पोल को डायरेक्ट हिट कर रहा हो और इस पोल पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन मिलाता है यही हो जाता है नॉर्मल। आप अगर किसी भी समय सर्कल में सेंटर को मिलाने वाली लाइन जो उसके सर्कमफेरेंस से होगी तो ये यहां पर परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या हम करें, तो ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंट यही हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस और रे के बीच में आने वाले रे ही हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जस्ट इसी के एंगल के बराबर का एंगल हम इधर ले करके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और काट कर दे, ठीक है। तो बुक वाले कॉन्सेप्ट को याद ना करने से अच्छा है कि चुपचाप से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज कर लेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो भी आज जहां पर कट करे वहीं पर बोल दें कि यही है इमेज ऑफ ए जो कि मिल गया क्या ए डैश। और यहां से हम परपेंडिकुलर जैसे डालेंगे वो परपेंडिकुलर हमें मिल गया बी डैश, ठीक है। अभी अभी बात किए थे कि बी पॉइंट तो प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलेगा क्योंकि जिस एक्सिस पर खड़ा है वहां पर भी तो मिलना ही है। तो अब बताइए इस इमेज की प्रॉपर्टीज को देख करके, पहली चीज रियल या वर्चुअल। तो हमें दिख रहा है भाई कि रियल में इंटरसेक्शन है तो ये इमेज बना रियल। दूसरी चीज कहां पर बना है, तो बिटवीन एफ एंड सी। हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था सी एंड इंफिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इमेज हमारा बन रहा है, जो इमेज बन रहा है वो इमेज हमारा पहला प्रॉपर्टी रियल, दूसरा बिटवीन सी एंड एफ, थर्ड बड़ा या छोटा या बराबर। तो देखो आप ए बी की साइज जितनी है और ए डैश बी डैश की साइज बनने तो वो आप बोल सकते हो स्मॉल इन साइज, छोटा हो गया स्मॉल इन साइज। फोर्थ सीधा या उल्टा, तो हमें भाई यहां ऑब्जेक्ट में दिख रहा था कि ए जो है टॉप में ऊपर की ओर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर और जो इमेज बन के आया प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे चला गया, तो हम इसे बोल सकते हैं उल्टा, जिसको बोल सकते हैं इनवर्टेड। तो आप लास्ट वाली प्रॉपर्टीज में भी इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि जो प्रॉपर्टीज आई उस हिसाब से हम कंफर्म बोल सकते हैं कि अब जो यहां इमेज बना है वो है इनवर्टेड। तो ये मेन प्रॉपर्टीज, बनाने का तरीका कुछ नहीं, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से निकल गया, दूसरा रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, कोई याद करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं याद करके देखो कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा रे डायग्राम बना है, तो रे डायग्राम में कोई याद करने की जरूरत नहीं है, आपका सारा कुछ ये हो। तीसरा देखते हैं, अब ऑब्जेक्ट को और नजदीक लेकर के आते हैं मीटर से, तो मीटर से और नजदीक लेकर के आ रहे हैं। तो तीसरा है वे ऑब्जेक्ट को हम लोग रख रहे हैं एट सेंटर, ठीक है। तो मीटर प्रिंसिपल एक्सिस सी और ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पर बोला जा रहा है तो ए बी, ठीक है।
फोकस। समझा क्या करना है? इमेज बनाना। तो पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड बाय फोकस, खत्म, कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं। दूसरा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, जो हमेशा ही वैलिड होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। थोड़ा सा चूंकि हम लोग पेन पेपर पर नहीं बना रहे हैं और एग्जैक्ट डायग्राम पर नहीं है तो हम इसे करेक्ट करते रहे। तो हमारा अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर या इस तरह से बनाएंगे तो हमारा जो है ये डायग्राम सी पॉइंट पर ही मिलेगा और सी पॉइंट पर आपको ये ए डैस और बी डैस, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ करेक्शन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये चूंकि बोर्ड पर है तो थोड़ा मिस एरर्स हो जाता है। तो हम इसलिए बताएं कि यहां पर जो इमेज प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, पहली प्रॉपर्टी एट सी, दूसरे रियल, क्योंकि रियल लाइंस के इंटरसेक्शन, थर्ड पॉइंट सीधा या उल्टा, तो ए ऊपर में है ए नीचे में चला गया, इसे बोल सकते हैं इनवर्टेड, फोर्थ साइज के हिसाब से, तो साइज सेम इन साइज। आप लोग इस कॉम्पास की हेल्प से और स्केल की हेल्प से बनाइए, आपको एग्जैक्टली ये सब चीज मिल जाएगी। थोड़ा एरर इसलिए है कि बोर्ड पर बनाने में थोड़ी मिस्टेक्स होती है। अगली चीज, लेकिन कॉन्सेप्ट ये, एक पैरेलल रे और दूसरा रे आएगा जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फोर्थ देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को इस बार रख रहे हैं सी एंड एफ के बीच, ठीक है, इन मिरर, हमारा मिरर रहा, ये पी है, ये सी है और यहां पर एफ है और हमने ऑब्जेक्ट को इसके बीच रखा, ऑब्जेक्ट ए बी बनाएंगे बहुत ही फास्ट, पैरेलल रिफ्लेक्ट होना है, फोकस से निकल जाना है। दूसरा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आई लगभग एंगल आर उसी हिसाब से ले लिए, तो हम देख रहे हैं कि इमेज हमारा ए डैश बी डैश, ठीक है। इमेज प्रॉपर्टीज को डील कर दे, तो इमेज प्रॉपर्टीज में हमारा पहला हुआ रियल, दूसरा सीधा या उल्टा, उल्टा इन्वर्टेड, तीसरा साइज देख रहे, तो ये और ये कंपेयर करेगा तो लार्ज इन साइज बढ़ गया है, ठीक है। लोकेशन कहां पर बना, तो ये सी के बाहर बढ़ रहा है, मतलब कि बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, बहुत ही फास्ट बहुत ही क्विकली बना सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है, हम लोग देखते जाएंगे बनाते जाएंगे। अगला है ऑब्जेक्ट जब फोकस पर, ऑब्जेक्ट एट फोकस, देखें मिरर अपना होल सेंटर कर्वेचर फोकस और ऑब्जेक्ट को हम बोल रहे हैं यहीं पर है फोकस ए बी। चलिए पहला काम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और वो पास कर जाएगा फोकस से, ठीक है। सेकंड यहां से आएगा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमें यही यूज करना है, हर बार पोल को लेकर के जाना है, एंगल आर और इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर, और ये चीज आपको जो एक कमाल की जो रिजल्ट मिलेगी वो ये है कि आपकी दोनों रे पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। और दोनों रे पैरेलल होने का मतलब है कि ये रेस कहीं भी नहीं मिलने वाला, और जो चीज कहीं नहीं मिलने वाला उसको ये बोल सकते हैं कि ये इंफाइनाइट पर जाके मिले अनंत। और आप खुद ही देखिए कि अगर ये इंफाइनाइट पर जाएगा तो धीरे धीरे इसकी लेंथ जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चले जाएगी, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि यह जो इमेज बनेगा बहुत ही बड़ा बनेगा, वेरी लार्ज इन साइज, लार्ज इन साइज, क्योंकि ये सेपरेशन घट बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी चीज एट इंफिनिटी इमेज की प्रॉपर्टी एट इंफिनिटी, थर्ड रियल या वर्चुअल, तो ये रियल है, रियल, फोर
फोर बोल सकते हैं कि उल्टा या सीधा, तो ऑब्वियस है ए पॉइंट ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये हमें इनवर्ट। ठीक है, एक और उनका इमेज है कॉनकेव में, आज हम लोग इस कॉनकेव को कम से कम फिनिश करेंगे। तो सिक्स्थ है अपना कॉनकेव में कि वेन ऑब्जेक्ट जो है हमारा अगर मिरर और फोकस के बीच हो तो, मतलब बहुत ही नजदीक में रख दिया जाए तो क्या करेंगे, फोकस सी और ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया ए, तो क्या हमें कुछ करना ही नहीं है, हर में एक ही बात करना है कि हमें एक पैरेलल जो कि यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से क्रॉस कर जाएगा, दूसरी रे हमें पोल पर लेके जाना है और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से आई इक्वल टू आर के हिसाब से करेंगे तो उसके हिसाब से चलते। अब इस दोनों को रे को देखा, अब देखे दोनों रे में, तो दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद ये सेपरेशन बढ़ती चली जा रही, मतलब कि ये रे की कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता कि ये कहीं इधर में मिलने जा रहे। ठीक है, तो जो रे बढ़ती चली जा रही नहीं मिलने वाली, तो उस रे को हम लोग एक डॉटेड लाइन से पीछे की ओर बढ़ा करके मिला सकते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाए तो हमें पता चला कि इसका इमेजिनरी मीट हो रहा है, और इमेजिनरी मीट मतलब कि ए डैश यहां पर और इसी से वर्टिकल लिए ये बी डैश। तो आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो आपको क्या मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, मतलब इस बार इमेज जो मिला है वो मिल रहा है वर्चुअल। दूसरी बात, ए ऊपर में है और यहां इमेज में भी ए ऊपर में है, तो यहां पर इस बोल सकते हैं इरेक्ट, इरेक्टेड सीधा। थर्ड, बिहाइंड द मिरर, और फोर्थ, साइज को कंपेयर कर ले तो लार्ज इन साइज। ठीक है, तो ये हमारे थे कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन, और इन सब के बेसिस पर इस बात को कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, वर्चुअल ये केस देख चुके हैं, ये सीधा इमेज भी दे सकता है, उल्टा इमेज भी दे सकता है, बड़ा भी दे सकता है, छोटा भी दे सकता है, तो इसकी मल्टीपल यूज के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, फर्दर यूज में भी बढ़ेंगे। अगली वीडियोस में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियोस के लिए इतना ही, थैंक यू।